Welcome back to Check Academy. I'm Bhagyashree and today our topic is Rome, Read Only Memory and its type. Previous video में हमने RAM और उसके types के बारे में पढ़ा था, आज हम Rome के बारे में बात कर लेते हैं. So let's start. जैसे कि इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, इसी तरीके से ये ऑपरेशंस को केवल रीड करती है, राइट नहीं कर सकती है. अगर हमें डाटा को राइट करना है तो हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है. बेसिकली ये रीड करने के लिए होता है, ये नॉन वॉलेटाइल होता है. एक बार जब डाटा स्टोर हो जाता है तो वो परमानेंटली सेव रहता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. और अगर हम पावर को ऑन या ऑफ बार बार अगर कर भी लेते हैं तो भी हमारा जो डाटा है वो लॉस नहीं होगा. इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है एज कंपैरिजन टू रैम. और ये क्या करती है, ये जो डाटा को स्टोर करती है ये बाइनरी फॉर्म में डाटा को स्टोर करती है. रोम स्टोर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो BIOS इज यूज टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये रोम का पार्ट है. रोम के बेसिकली चार पार्ट होते हैं. पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. पी रोम को OTP भी कहा जाता है, वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम, जिसका मतलब होता है कि जब हम एक बार कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर कर देते हैं तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है. एक बार जब डाटा हमारी चिप में स्टोर हो गया तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते. पी रोम बिकम सेम एज रोम. अब बात करते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका क्या काम होता है. इसमें हमारा जो डाटा है, रोम क्या करता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी. इसमें हम डाटा को राइट नहीं कर सकते, लेकिन हमें जब राइट करना होता है डाटा को तो हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है. नेम होता है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. यहाँ पर EPROM क्या करता है, डाटा को इरेज करता है एंड देन रीप्रोग्राम करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर. ये जो डाटा को इरेज करता है किसकी हेल्प से करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से करता है. एक बार जब डाटा स्टोर हो जाता है, जो कंटेंट होता है वो जब चिप में स्टोर हो जाता है तो जो प्रीवियस डाटा होता है वो सारा रिमूव हो जाता है और जो सिलेक्टिव डाटा है उसे रिटेन नहीं कर सकते हैं. PROM हैज टू टाइप्स, UPROM अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड EAPROM इलेक्ट्रिकली ऑल्टरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. UPROM एंड इलेक्ट्रिकली ऑल्टरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. जस्ट शॉर्टकट में हम ये याद कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइप का नाम अल्ट्रा वायलेट है, यू प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड सेकेंड का इलेक्ट्रिकली ऑल्टरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. हैज टू टाइप्स, ठीक है. EPROM हैज टू टाइप्स. नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड एंड ये क्या करता है, जब हम चिप में डाटा को इरेज करते हैं और रीप्रोग्राम करते हैं तो इसको अल्ट्रा वायलेट रेज की जरूरत नहीं होती. जैसे कि हमारा EPROM को जरूरत होती थी वो अल्ट्रा वायलेट रेज की जरूरत होती थी, EEPROM को अल्ट्रा वायलेट रेज की जरूरत नहीं है. इसको जो जरूरत होती है ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं ना उनकी हेल्प से डाटा को रिमूव कर देती है. और जो रिमूव करती है ना वो बाइट बाय बाइट करती है, मीन्स एक बाइट कितने बिट को कंसिस्ट करती है, 8 बिट को. तो यहाँ पे ब्लॉक्स बन जाते हैं छोटे छोटे बाइट्स के ना, तो बाइट बाय बाइट ये क्या करती है, डाटा को इरेज करती है, ठीक है, बजाय सारा डाटा एक साथ रिमूव करने के. मेमोरी में कोई भी डाटा को स्टोर करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सकते हैं डाटा को मेमोरी से विदाउट एनी हेल्प ऑफ द पावर सप्लाई. फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी क्या करता है,
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब मेमोरी में कोई इंफॉर्मेशन हम लोड कर रहे हैं तो उसे हम लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सकते हैं विदाउट एनी पावर हेल्प, तो वो उस वाली इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। ये एक स्पेसिफिक टाइप होता है किसका, ईईपी रोम का, फ्लैश मेमोरी। ये कंटेंट को इरेज कर सकता है, रीप्रोग्राम कर सकता है इनटू बिग सेक्शन मेकिंग इट फास्टर, ठीक है, बजाय जो इसकी रेगुलर स्पीड होती है, जो ईईपी रोम की जो रेगुलर स्पीड है उसके मुकाबले फ्लैश मेमोरी की स्पीड ज्यादा फास्ट है। फ्लैश मेमोरी मेजरली यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, मोबाइल फोन में, MP3 प्लेयर्स एंड मेमोरी कार्ड में।